हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए मैंने L1 डिवाइस को परचेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है L0 डिवाइस, उसके बाद L1 डिवाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद जैसे कि RDS सर्विस को इंस्टॉल करके सब कुछ इस वीडियो में देखने के मिलेगा, ठीक है। किस तरह से आपको काम करना है इस वीडियो, यहाँ पर देखिए MSS 1100, ठीक है। यहाँ पर देखिए 110 लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पर इसको मंत्रा न्यू डिवाइस है L1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है और L0 डिवाइस, ठीक है। तो L0 डिवाइस में मैं देखा है, तो यहाँ पर देखिए L0 डिवाइस अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने यूज़ पैसा विड्रॉल करने के लिए निकाल दी, आज सुबह मैंने ट्राई किया तो नहीं हुआ, ठीक है, फिर देख रहा है बार बार। तो मैंने यहाँ पर एक L1 डिवाइस को मैंने परचेस किया फिर, ठीक है, तो आ गया। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करना है इसको, डिवाइस को कंप्यूटर में किस तरह से सेटअप करना है इस वीडियो में आपको दिखाऊँ, ठीक है। सबसे पहले वीडियो के अंदर देखिए आपको समझ में आए किस तरह से करना होगा। तो यहाँ पर फेल देख रहा है, ठीक है। तो क्या भी यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह से आपको बायोमेट्रिक डिवाइस को यहाँ पर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं आपको इस तरह स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर देखिए फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड आप चाहे तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर स्पेस मनी एप्लीकेशन पर मैं यहाँ पर पेनिया बाई से एप्लीकेशन को यहाँ पर ड्राइव बाई को इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट से मैं यहाँ पर आधार नंबर इंटर करके मैं दिखाई देता हूँ, एक मिनट, आधार नंबर इंटर करके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ड्राइवर आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पूरे को पूरा ड्राइवर ऑप्शन अवेलेबल है, L1 डिवाइस, ठीक है, मंत्रा है, मोरपो है, ठीक है। आप कौन सा ड्राइवर चाहिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है तो सब लोडिंग हो जाने दो, इसके बाद डाउनलोड ड्राइवर ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दूँगा, फिर वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए L1 डिवाइस को मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, ठीक है, MSS 110, ठीक है, इसको डाउनलोड करूँगा, उसके बाद ओपन करूँगा, ठीक है। चलो इंस्टॉल एंड ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डाउन डिलीट करना होगा L0 एप्लीकेशन का, आपको डिलीट करना होगा, ठीक है। सबसे उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना, पहले आपको डिलीट करना होगा। चलो मैं अनइंस्टॉल करूँगा उसको, अनइंस्टॉल करना होगा L0 डिवाइस को, ठीक है। L0 डिवाइस को अनइंस्टॉल करना होगा जो मैंने इंस्टॉल किया था, उसको अनइंस्टॉल करना होगा। चलो मैं इसको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर लिया फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर अनइंस्टॉल ऑप्शन में इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए आप लोग, जो पहले इंस्टॉल किया था फ्रेंड उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है। L0 डिवाइस को अनइंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर देखिए MS मंत्रा दूसरे वाले ऐप्स फ्रेंड, ठीक है, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद न्यू वर्सन को आप फिर से दोबारा को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड तो ऑलरेडी करके रखा हो आप लोग, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप यहाँ पर भी इस पर यहाँ पर स्पेस मानी, नहीं तो आप पिनियर बाई एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं दोबारा से फिर से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाई दो किस तरह से पॉपअप का ऑप्शन आएगी आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिवाइस रिमूव ऑप्शन करूँगा, फिर यहाँ पर देखिए रिमूव किया, उसके बाद डिवाइस फिर से यहाँ पर अटैचमेंट करूँगा। चलो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। आपको किस तरह से सोल्व करना है यहाँ पर देखिए, इंटरनेट तो अवेलेबल है, दोबारा से इंस्टॉल करना होगा ड्राइवर को, ठीक है। सबसे पहले फिर से डाउनलोड तो ऑलरेडी मैंने करके रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ड्राइवर ओपन नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करना हो, जो डाउनलोड किया था L1 डिवाइस को उसको फिर से दोबारा से इंस्टॉल करना हो। चलो मैं दोबारा से इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग भी फटाक से यहाँ पर जाके इंस्टॉल कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है, ड्राइवर को मंत्रा डिवाइडर ड्राइवर को इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद L1, उसके बाद आपको इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ऑप्शन आएगी फ्रेंड, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ फ्रेंड।
इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, दोबारा से आपको यहाँ पर जैसे कि फिंगरप्रिंट को यहाँ पर दोबारा से आपको कनेक्ट करना हो। ठीक है, एक बार डाटा को कनेक्ट यहाँ पर दोबारा से खुल के फिर से आपको रिमूव कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए डिवाइस अटैचेड ऑप्शन आ गया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है डिवाइस अटैचेड। ठीक है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मान तला मैंने डिवाइस को कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए रेड सिग्नल आ गया फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर डिवाइस नॉट कनेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपको दोबारा से फिर से पिन को यहाँ पर नहीं तो आप इस तरह से आपको फिर आई पॉप अप, तो आप कंप्यूटर शट डाउन करके ऑन कीजिए, आपको ठीक हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर ठीक हो चुका है फ्रेंड। ठीक है, यह मेरा ठीक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए पॉप अप का ऑप्शन आएगी, आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डिवाइस अटैचेड ऑप्शन आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर फाइनल ऑप्शन है, देखिए रेडी हो चुका है, डिवाइस रेडी हो गया मेरा। ठीक है, इस तरह रेडी नहीं होता है तो एक बार देख आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, दोनों डिवाइस इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के आपको नहीं तो नहीं इस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना हो, सबसे पहले आपको पीसी को शट डाउन कीजिए, ऑफ एंड ऑन कीजिए फिर। ठीक है, आपको हो जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा हो गया। तो यहाँ पर चलो मैं अगर यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए किस तरह टेस्ट करके देखता हूँ फिर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेस्ट ऑप्शन में क्लिक करके स्क्रीन ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा, या देखिए स्क्रीन ऑप्शन आ गया। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीन ऑप्शन में कर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देखने के नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको जब आपको फिंगर डालोगे तभी आपको यहाँ पर जलेगा फिर। ठीक है, नहीं तो नहीं जलेगा आपको, यहाँ पर रेड नहीं आएगी, रेड सिग्नल नहीं आएगी। जब आपके फिंगर डालोगे तभी आपको यहाँ पर रेड सिग्नल देखने के मिलेगा फिर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ले रहा, देखिए यहाँ पर फिंग ऑप्शन चालू हो गया फिर। ठीक है, आपको फिंगर डालना होगा नीचे, आपको स्किन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए अगर लाइट नहीं आएगी, अभी जब आपको फिंगर डालोगे तभी आपको यहाँ पर रेड ऑप्शन आएगी फिर। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेड सिग्नल नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए रेड सिग्नल कैसे आएगी, जब आपको यहाँ पर डालोगी तभी आपको रेड सिग्नल देखने के मिलेगा। आप देखिए देख सकते हो इस तरह से आपको देखने के मिलेगा आपको। तो फ्रेंड कैसा लगा कि वीडियो को फ्रेंड, इस तरह से आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर मैंने सेटअप हो चुका है, मेरा स्टेट बैंक का सर्वर डाउन है, इसलिए इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, फिंगर चालू हो चुका है फ्रेंड, रेडी हो गया। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पर काम कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए फ्रेंड। ठीक है।